हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन, विटिग रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किस तरीके से करेंगे। तो देखते बच्चों, यहाँ पर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपके नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन हम किस तरीके से करेंगे इसको एक एक करके ध्यान से देखते हैं बच्चों। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन, देखो रिडक्शन करने के बहुत सारे मेथड है बच्चों, एक एक करके हम ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट फर्स्ट मेथड, रिडक्शन बाय मेटल कैटलिस्ट, जो कि मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले पढ़ाया था, मेटल कैटलिस्ट, पीटी, पीडी, एनआई, और यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में किस तरीके से होता है बच्चों। देखो यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर एल्डिहाइड मैंने लिया, एल्डिहाइड मतलब यहाँ पर एसिटाइल्डिहाइड में लेता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। एसिटाइल्डिहाइड क्या करेगा बच्चों, एच, यहाँ पर H2, यहाँ पर PDHT, PDH2 मैंने ले लिया, पैलेडियम H2। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका CH3, COH, और यहाँ पर CH2 बन जाएगा, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट में, अगर मैंने यहाँ पर कीटोन ले लिया, ठीक है, कीटोन का अगर मैंने पीडी पीटी H2 के थ्रू कराया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, या फिर यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3 CH OH CH3, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन करता है। मतलब सिंपल बात यह है कि अगर मैंने ऐसा कंपाउंड मैंने एज एग्जाम्पल ले लिया तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, ये आपका पी डी पी टी एच टू, यहाँ पर मैं कोई भी मेटल कैटलिस्ट में ले सकता हूँ बच्चों, इसके लिए फ्री फ्री है बच्चों ये सब। आप देखो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आपका जो निकल है, ये जो मेटल कैटलिस्ट है, वो कुछ मतलब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मेटल कैटलिस्ट कैन रिड्यूस फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करता है मैं आपको बता देता हूं बच्चों ध्यान से। अभी फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैंने वहां बताया हुआ है बच्चों आप लोगों को, तो देख लेते कि सबसे पहले मैंने बात कर लिया यहां पर किसका, सबसे पहले एल्कीन को किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चों, एल्केन में। ठीक है, एल्काइन को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्केन में। ठीक है, और अगर मैंने बात किया यहाँ पर, ध्यान से समझना बच्चों, एक-एक के नाम आपको याद होने चाहिए, नाम और किस चीज को रिड्यूस करता है। अगर आपको ये याद रहा तो आपको आगे के सारे समझ में आ जाएंगे। एल्कीन, एल्काइन, फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल में। और अगर मैंने बात किया कीटोन, कीटोन को किसमें कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल में। ठीक है, और अगर मैंने बात किया यहाँ पर एल्काइल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्केन में। एल्काइल हैलाइड आपका किसमें कन्वर्ट होगा, एल्केन में। ठीक है, आपका नाइट्रो ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, NH2 में। ठीक है, अमाइन में, अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर बात करता हूँ, अगर मेरे पास आइसोसाइनेट ग्रुप होगा RNC, तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये RNHCH3, मतलब 2 डिग्री अमाइन में। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N को, तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2, मतलब आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, 1 डिग्री अमाइन में। इस तरीके से आपका इन सबको रिड्यूस करता है। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना। और साथ में हम बोल सकते हैं कि बेंजीन को भी रिड्यूस कर सकता है। एक्स्ट्रा में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने आपको बेंजीन का बताया था, बेंजीन को भी कन्वर्ट करता है साइक्लोहेक्सेन में, 8 हाई, वो हाई टेम्परेचर पे, तो बेंजीन को भी आपको किसमें कन्वर्ट कर देगा, साइक्लोहेक्सेन में। और अगर मैंने बोला कि साइक्लिक कंपाउंड जैसे यहाँ पर 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड, 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड, देखो 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड, 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड, 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड, इन सबको आपको क्या कर देगा, ओपन चेन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, ओपन चेन एल्केन में। ठीक
ठीक है, तो इन सब कंपाउंड को ये आपका रिड्यूस करता है। तो आपका किस किस को रिड्यूस नहीं करेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, किस किस को आपका रिड्यूस नहीं करेगा। इट कैन नॉट रिड्यूस फॉलोइंग कंपाउंड। आपका कौन कौन सा बचा, देखो बच्चों ध्यान से, एक आपका बचा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। सेकंड आपका किसको रिड्यूस नहीं करेगा बच्चों, ध्यान से समझना, सेकंड आपका रिड्यूस नहीं करेगा ये एस्टर को। थर्ड आपका रिड्यूस नहीं करेगा किसको, एनहाइड्राइड को। तो इस तरीके से ये आपके कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करता है। किस जिस जिस कंपाउंड को रिड्यूस करता है मैंने उसको यहां लिख दिया है, और जिस जिस कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करता मैंने इसको यहां लिख दिया है। एक बार आप हाइड्रोकार्बन वाला सेक्शन खोल के इसको एक बार है ना रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैंने जहां पर आपको रिएक्टिविटी के हिसाब से भी बताया हुआ है बच्चों, रिएक्टिविटी के हिसाब से मैंने ऑर्डर को भी वो अरेंज करवाया हुआ है। तो आई होप कि अगर आप लोग अगर इसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे, कि यहां पर नेक्स्ट वो रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू रिडक्शन मैंने आपको बताया है, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। तो देख लेते हैं बच्चों, यहां पर रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4। देखो अब मैंने आपको यहां पर पहले मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बात कर लेता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किस को नहीं करता है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बचे हुए रिमेनिंग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो आपको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में, तो यहाँ पर अगर मैं एल्डिहाइड ले लूं, ये मैंने आपको पूरे अच्छे से बताया बच्चों, दो लेक्चर ये मैंने करवाए थे बच्चों आपको, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा वो दो लेक्चर। तो अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका इस तरफ, ये आपका ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3O-, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Li+ आ जाएगा। नाउ फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर CH3CH2OH, आई होप सो कि आपको याद होगा। नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पर NaBH4 के प्रेजेंस में कराया, यहाँ पर NaBH4 नहीं, यहाँ पर मैं एक और कीटोन को ले लेता हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया तो H- आपका नीचे से जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर CH3CO-Li+, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, हाइड्रोलाइसिस कराने पर फर्दर बच्चों, ये हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये आपका 2° एल्कोहल बना लेगा। ठीक है, अब देखो ये आपका किस किस को रिड्यूस नहीं करेगा, उसके अलावा सारे जो रिमेनिंग होंगे उनको रिड्यूस कर देगा। देखो अगर मैंने बात किया यहाँ पर इट कैन नॉट रिड्यूस फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करेगा उसको समझ लेना। सबसे पहले ये आपका एल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा, एल्काइन को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, एल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा, एल्काइन को रिड्यूस नहीं करेगा, और साथ में आपका किसको रिड्यूस नहीं करेगा, ये आपका यहाँ पर साइक्लिक ईथर और ईथर को, मतलब चेन ईथर को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन साइक्लिक ईथर को करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको लिखा था। और आपका किसको रिड्यूस नहीं करता बच्चों, ये बताओ, ये आपका एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करेगा, ये भी मैंने आपको बताई दिया, एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इन सारे कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करेगा, और साथ साथ लिख सकते हैं बच्चों साइक्लिक कंपाउंड को भी ये आपका रिड्यूस नहीं करता है। तो इस तरीके से इन सब कंपाउंड को ये आपका रिड्यूस नहीं करेगा। तो बचे के कौन कौन से बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, इन सब को, एनहाइड्राइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका साइक्लिक ईथर हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब कंपाउंड को ये आपका रिड्यूस कर देगा। जैसे साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, इन सब के केस में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से कौन किसको कितने मोल के साथ रिड्यूस करेगा। तो थोड़ा अगर आप उस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों NaBH4। तो NaBH4 आपके किस किस कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, तो देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैंने बात किया NaBH4, तो यहाँ पर NaBH4 के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, NaBH4 यहाँ पर, तो NaBH4 के साथ अगर मैंने सिमिलर रिएक्शन होगी, रिएक्शन आपकी क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी, जो कि मैंने आपको पहले अच्छे से बता रखा है। NaBH4 के साथ अगर मैंने रिएक्शन कराया तो यहाँ से हाइड्राइड जाएगा H-,
ये ऊपर जाएगा, यहां पर आएगा, तो यहां पर क्या जाएगा, सी एच थ्री सी एच एच, ठीक है, सी एच थ्री सी एच एच ओ माइनस एन ए प्लस। नाउ फर्दर इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहां पर सी एच थ्री सी एच टू ओ एच बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल बना लेगा, ठीक है। सिमिलर सिमिलर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बस इसमें चेंजेस कहाँ है वो समझ लो, ठीक है। तो यहां पर भी अगर मैंने NaDH4 के प्रेजेंस में अगर इसकी रिएक्शन कराई तो यहां से H माइनस आपका इसके पास जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, सी एच थ्री सी ओ माइनस एन ए प्लस, और यहां पर आपका सी एच थ्री और यहां पर आपका H। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री और यहां पर H, यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल आपका फॉर्म हो जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि ये केवल और केवल 3 ही कंपाउंड को रिड्यूस करता है, तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, इट कैन रिड्यूस रिड्यूस फॉलोइंग फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से को रिड्यूस करता है उसको ध्यान रख लो, क्योंकि इसकी मतलब कौन कौन से को रिड्यूस करेगा, इसका अमाउंट कम है तो इसको ध्यान रख लो, ठीक है। तो फर्स्ट आपका एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा, सेकंड आपका किसको रिड्यूस कर देगा, सेकंड आपका यहां पर एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, और थर्ड आपको किसको रिड्यूस कर देगा बच्चों, कीटोन को। तो ये तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, रिडक्शन रिडक्शन मतलब प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल में मैंने ये आपको पूरा कंप्लीट बता दिया था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, एक बार अगर आप इन्हें रिपीट करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये आपका सेकंड था, ठीक है। अब देखो थर्ड, थर्ड जो आपका जो यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड, थर्ड जो आपका रिडक्शन है उसको हम देखते हैं बच्चों अब। तो बच्चों अब हम ना थर्ड रिएक्शन को देखते हैं, थर्ड रिएक्शन आपका क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे थर्ड रिएक्शन को अब हम, ठीक है। तो थर्ड आपका होगा रिडक्शन बाय वुल्फ किशनर और क्लीमेंसन रिडक्शन, ये भी मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया, तो आई होप कि आपको पुराने टॉपिक अब आपके रिवीजन भी होते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों यहां पर आपका थर्ड आपका क्या है, रिडक्शन बाय जेड एन एच जी एच सी एल, ठीक है, एंड एन टू एच फोर के ओ एच और साथ में हीट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, वुल्फ किशनर रिडक्शन। ये मैंने आपको लिखा रखा है बच्चों हाइड्रोकार्बन में, एक बार इसकी मैकेनिज्म को हम समझ लेते हैं फिर भी, लेकिन इसका रिडक्शन कैसे होगा, मेन रिएक्शन आपका कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझना। ये आपका है, ये आपका वुल्फ किशनर हो चाहे आपका क्लीमेंसन हो, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका किसमें कन्वर्ट कर देगा, सी एच टू में कन्वर्ट कर देगा एल्केन में, ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन का जो आपका मैकेनिज्म है वो कैसे है, ध्यान से। ये मेरे पास कार्बोनिल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बोनिल बॉन्ड पे सबसे पहले एच सी एल का एच प्लस अटैक करेगा और आपका क्या बना देगा बच्चों, यहाँ पर आपका ओ प्लस एच बना देगा। नाउ ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ खुला तो यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर ओ एच। अब क्या होगा, जहां पर आपका प्लस साइन होगा वहां पर आपका जेड एन आपका किसमें कन्वर्ट होगा, जेड एन आपका जेड एन प्लस टू, और साथ में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बो कैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज के पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, ये माइनस, ये आपका ओ एच। अब अगर आपका एच सी एल यहाँ से क्या देगा, एच प्लस देगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, सी एच ओ एच, ठीक है। आई होप तो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेम सिमिलरली स्टेप हम फिर से रिपीट करेंगे बच्चों, देखो अब क्या करेंगे, एच सी एल के साथ ये आपका प्रोटोनेटेड होगा, अगर ये आपका प्रोटोनेटेड होगा तो ओ एच टू प्लस बन जाएगा। अब ये आपका लीव करेगा ग्रुप को लीव करेगा तो यहाँ पर इस तरीके से आपका कार्बो कैटायन बन जाएगा। अब कार्बो कैटायन को देखो, बस यहाँ पर ऑक्सीजन का फर्क है, सिमिलरली स्टेप चल रहा है। देखो ध्यान से, जेड एन आपका किसमें कन्वर्ट हुआ, जेड एन प्लस टू में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये आपका माइनस में, ठीक है। नाउ अब मैंने यहाँ पर एच सी एल के साथ प्रोटोनेटेड कराया तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, सी एच टू। देखो इस तरीके से आपका ये इसमें कन्वर्ट होता है, लेकिन मुद्दे वाली बात ये है कि यहाँ पर जो एच सी एल है, यहाँ पर जो आपका एच सी एल है, एच सी एल क्या है, एक तरीके का एसिड, तो यहाँ पर अगर मैं, यहाँ पर आपका एक्स क्लीमेंसन रिडक्शन में एसिड का यूज होता है,
देखो HCl एसिड का ये यूज होता है, एसिड का यूज होगा तो ये आपका एसिड सेंसिटिव रिएक्शन के साथ, एसिड सेंसिटिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। कंपाउंड के साथ रिएक्शन एसिड सेंसिटिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। और एसिड सेंसिटिव कंपाउंड कौन कौन से बच्चों, OH NH2, इनके साथ ये आपका रिएक्शन बिल्कुल नहीं देगा। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात कर लूं, देखो यहां पर ध्यान से समझना कि अगर मैं इस तरीके से बात कर लूं, देखो ये मैंने इस तरीके से बना दिया कंपाउंड, ये मैंने NH2, ठीक है। अब यहां पर COCH3, अब देखो अगर मैंने यहां पर ZnHgSCl ले लिया, ZnHgSCl ले लिया, ये एसिड है, ये भी आपका एसिड सेंसिटिव का एग्जाम्पल है, ठीक है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा। अब रिएक्शन नहीं देगा तो क्या करेगा, रिएक्शन नहीं देगा, अगर अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये वाला ग्रुप हटके वहां कौन लग जाएगा, सीए लग जाएगा। तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर तो ऊपर आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये NH2 हटेगा और ये HCl का Cl- यहां अटैक कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। वैसे तो नहीं देगा, अगर हम करवाएंगे तो उस पॉइंट पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका प्रोसीड हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितना इजी रिएक्शन है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर वुल्फ किशनर रिडक्शन, तो उसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ वुल्फ किशनर का, तो देख लेते बच्चों वुल्फ किशनर रिडक्शन का मैकेनिज्म। अब देखो वुल्फ किशनर में आपने पहला स्टेप आप लोगों को याद होगा, पहला स्टेप आई होप कि आप लोगों को याद होगा, अभी मैंने जस्ट मैंने आपको बताया था हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन, बताया था बच्चों हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन, अमोनिया एंड अमोनियम डेरिवेटिव्स, ठीक है। जहां पर मैंने आपको बताया था ये आपका इस तरीके से निकल जाएगा, ये आपका हाइड्रोजीन है तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर आपका हाइड्रोजन बन गया। अब क्या करेगा, KOH, KOH इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, OH- इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, ट्रैप कर लेगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका आ जाएगा NH- माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये माइनस चार्ज यहां जाएगा और ये वाला ग्रुप यहां जाएगा, तो अब क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अब आपका यहां पर सी, यहां पर आपका प्लस, यहां पर आपका माइनस चार्ज, ठीक है, और यहां पर सिंगल बॉन्ड एन, और यहां पर आपका एन एन एच, यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो जो यहां से जो एच प्लस निकला था वो एच प्लस इसके पास वापस जाएगा, अब एच प्लस आपका यहां चला जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सी एच एन डबल बॉन्ड एन एच। फिर से KOH क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, तो OH माइनस आपका ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन को आपको निकाल लेगा, जब OH माइनस ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N माइनस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये अब यहाँ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर H, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर N2, ठीक है, N2 आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और अब यहाँ पर H प्लस अटैक करेगा तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, CH2, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। तो अभी इसमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, वुल्फ किशनर में बच्चों, तो वुल्फ किशनर में यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो वुल्फ किशनर के नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर आपका KOH है, तो ये आपका क्या है बच्चों, बेस है, तो ये बेस सेंसिटिव रिएक्शन के साथ, बेस सेंसिटिव ग्रुप के साथ, सॉरी बेस सेंसिटिव ग्रुप के साथ ये आपका रिएक्शन नहीं देगा। मतलब बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन से बच्चों, यहां पर सिंपल बोल सकते हैं COOH, यहां पर ClBr, ठीक है, इन सब के साथ ये आपका रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर कि इसके एग्जाम्पल की, तो एक एक करके मैं एग्जाम्पल बात करता हूं, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर बेस सेंसिटिव ग्रुप के साथ अगर रिएक्शन देगा तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन भी अकर हो सकता है, और साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपका ग्रुप लगा दिया, देखो ये Br और यहाँ पर O, इसको तो आपको किसमें कन्वर्ट कर देगा, अगर मैंने WKr की बात की, विल्किंसन सॉरी वुल्फ किशनर रिडक्शन की, तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा,
ये आपको किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सी एच टू में। और यह यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो KOH और डेल्टा के प्रेजेंस में आपका क्या होगा, एलिमिनेशन। तो यहां से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। अगर मैंने इसकी बात की, यहां पर Cl लगा दिया और यहां पर मैंने C डबल बॉन्ड हो CH3। अब देखो यहां पर मैंने वुल्फ किशनर रिडक्शन लगा दिया, ठीक है। अब देखो KOH डेल्टा है, लेकिन आप जानते हो कि बेंजीन पे आपका एलिमिनेशन नहीं होता है, तो बेंजीन पे आपका क्या होगा, KOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो ये आपका बाहर निकल जाएगा और इसको तो आपको किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH2 में। वैसे तो नहीं देगा रिएक्शन, वैसे बेस सेंसिटिव ग्रुप के साथ नहीं देगा, लेकिन अगर देगा भी तो वहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपके ग्रुप भी क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। थोड़ा इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बच्चों। अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ, देखो ध्यान से समझना, एक और एग्जाम्पल मैंने ले लिया इस तरीके का। देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक और एग्जाम्पल ले लिया है, CO CH2, यहाँ पर CH2 CH2 N प्लस CH3 CH3 CH3। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पर मैंने अगर वुल्फ किशनर रिडक्शन लिया, तो यहां पर क्या है, ये वाले पार्ट में आपका इवन सी भी फॉलो हो जाएगा, ये वाले पार्ट में आपका इवन सी भी फॉलो हो जाएगा, और यहां से आपका एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जब यहां से आपका एसिडिक हाइड्रोजन अगर आपका बाहर निकलेगा, तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन इसको तो आपको CH2 में कन्वर्ट करेगा ना ये आपका। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेना बच्चों, काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों यहाँ से। तो इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को करा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, ये मैंने बता रखा है कि इवन सी भी कब होगा, ठीक है। मैंने आपको इवन सी भी वाला पार्ट आपको बता रखा है, एक बार आप इन्हें रिपीट भी कर सकते हैं बच्चों। और इसमें एक और है बच्चों, ध्यान से समझना यहाँ पर कि अगर मैंने ये वाला कंपाउंड ले लिया, बाय द वे NO2 ले लिया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो CH3 ले लिया, तो यहाँ पर ध्यान से NO2 को चाहे आपका वुल्फ किशनर हो चाहे आपका क्लीमेंसन हो, दोनों आपका NH2 में कन्वर्ट कर देगा, इस बात का ध्यान रखना। NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में, इस बात का अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। अब इसमें जो काम वुल्फ किशनर रिडक्शन करता था, जो काम आपका क्लीमेंसन रिडक्शन करता था, वही काम आपका कौन करता है, रेड फॉस्फोरस HI, क्या करेगा, रेड फॉस्फोरस HI। तो रेड फॉस्फोरस HI का भी काम क्या है बच्चों, सिमिलर काम है, सी डबल बॉन्ड ओ को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 ग्रुप में। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है, ठीक है। तो हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किस तरीके से करेंगे, हमको अभी तक मैंने तीन चार आपको मेथड बता दिए, अभी एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर छोटा सा मेथड है, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम एक और नया मेथड है देखते हैं, इसमें एक और मेथड है हमारा रिडक्शन कराने का, कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो रिडक्शन कराने का एक और मेथड है, देखते हैं बच्चों ध्यान से, धीरे से आराम से, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर एक और मेथड, फोर्थ मेथड, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल, पिनाकोल। देखो आपको मैंने बताया था पिनाकोल से पिनाकोलन बनाना, लेकिन आपका पिनाकोल कैसे बना होगा वो भी आपका एक तरीके का मेथड है। अब देखो पिनाकोल भी आपका किस तरीके से बना होगा, वो भी आपके रिडक्शन से बना होगा कार्बोनिल कंपाउंड के। देखो कैसे होगा, ध्यान से समझते बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम रिएजेंट क्या लेंगे, एमजी एमजी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिएजेंट हम क्या लेंगे, एमजी ड्राई इथर, क्या लेंगे रिएजेंट बच्चों, एमजी ड्राई इथर। तो सबसे पहले ध्यान से समझते हैं, ड्राई इथर क्यों लिया, क्योंकि एमजी आपके वाटर के साथ रिएक्ट करके फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, MgO में, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में, क्योंकि आपके वाटर के साथ ये फटाफट आपका स्पीड से रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पर ड्राई इथर। अब देखो एक एक करके हम समझते ध्यान से, कि यहाँ पर मैंने 2 मोल कीटोन ले लिया, चलो ठीक है 2 मोल मैंने कीटोन ले लिया, ठीक है 2 मोल कीटोन लेंगे, हमेशा 2 मोल ही लेंगे, ठीक है 2 मोल कीटोन लिया। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, एमजी आपका किस में कन्वर्ट होता है, Mg+2 में, मैकेनिज्म के थ्रू ही समझेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, अगर ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, C+O-,
यहां पर सी एच थ्री। अब इसका दूसरा मोल आपको क्या होगा, सी प्लस ओ माइनस सी एच थ्री सी एच थ्री। अब दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो कार्बो कैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन। आप देखो 7 इलेक्ट्रॉन, और Mg प्लस टू आपके इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बना लेगा बच्चों, फ्री रेडिकल। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बना लेगा, फ्री रेडिकल। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर रिएक्शन बना रहा हूँ, यहाँ पर Mg प्लस टू, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब देखो फ्री रेडिकल के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो एक बॉन्ड में ज्वाइंट कर देगा, ठीक है, एक तरीके के बॉन्ड में आपका फॉर्मेशन कर देगा, और यहां से अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, OH CH3 CH3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म, इस तरीके से हम करेंगे। इसका एक और एग्जांपल हम समझ लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कंसेप्ट। देखो अगर मैंने ये वाला कंपाउंड ले लिया, इसकी रिएक्शन मुझे Mg के साथ करने को बोला, ठीक है, Mg ड्राइथर, तो कैसे होगा बच्चों, एक एक करके ध्यान से समझते बच्चों। यहाँ पर इसी को, इसको मैं रब करता हूँ ताकि मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे यूज कर सकूँ। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले आपका ये वाला कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होगा, ये वाला कंपाउंड ऊपर जाएगा, 2 मोल है तो 2 आपके ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये आपका इस तरीके से ऊपर जाएगा, यहां पर कैटायन, यहां पर आपका कार्बो कैटायन, ठीक है। अब देखो Mg, Mg आपका किस में कन्वर्ट होगा, Mg प्लस टू और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और Mg इसके पास जाएंगे, ठीक है। नाउ अब आपका क्या बनेगा बच्चों, इस तरीके से ओ Mg प्लस टू, यहां पर ओ माइनस Mg प्लस टू, और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री रेडिकल, ठीक है, यहां पर भी आपका फ्री रेडिकल। अब ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, हाइड्रोलाइसिस होगा, अब ये यहां पर फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन हो गए, देन फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका पिनाकोल बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब जो होमवर्क है आप लोगों का वो ये है कि इसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जो मैंने आपको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बताया था, उसमें आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको बताना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग कर लोगे। मैं एक और आपको होमवर्क के लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चों, कि अगर मेरे पास ये रहा 2 मोल एल्डिहाइड है, ठीक है, 2 मोल एल्डिहाइड है, ठीक है, 2 मोल एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने Mg ड्राई इथर के साथ करवा दिया, ठीक है, 2 मोल एल्डिहाइड की रिएक्शन Mg ड्राई इथर के साथ करवाया, देन फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दिया, देन फर्दर मैंने इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई, तो आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको निकालना है। देखो Mg ड्राई इथर, तो ये सबसे पहले यहाँ तक पिनाकोल में कन्वर्ट होगा, देन आफ्टर इसके बाद ये पिनाकोलोन में कन्वर्ट होगा। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको ये इतना रिडक्शन वाला पार्ट नहीं बचा है। सबसे पहले तो मैंने आपको पिनाकोल से पिनाकोलन बताया था, लेकिन आज मैंने पिनाकोल भी आपको बनाना बता दिया। आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच।